हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो में आप समझेंगे कि यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होते हैं और वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। देखिए, जब भी हम एसी खरीदते हैं, ठीक है, तो मोस्टली एसी की केस में हमने पढ़ाया बार बार कि मेरे घर में एक टन का एसी लगा है। हम बोल देते हैं ना कि एक टन का एसी लगा है मेरे पास, तो घर में दो टन का है, डेढ़ टन का है, तो बड़ी टेंशन होती थी। मैं जब छोटा था मुझे तो बहुत टेंशन पड़ती थी कि एक टन का एसी का मतलब क्या है यार। एक टन के एसी का मतलब मुझे तो ये लगता था कि 1000 किलो का होगा। तो बाद में देखा, नहीं यार, एक ही बंदा उसे एसी को उठा रहा है, तो 1000 किलो की चीज एक बंदा कैसे उठा सकता है। तो वन टन अगर एसी है तो वो वन टन का एसी का मतलब क्या है, वो आज हम समझेंगे। तो इसकी यूनिट्स भी हमारे पास टन रेफ्रिजरेशन में कैसे आएंगे। वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है? अगर मान लो कि एक कमरा है मेरे पास, एक रूम है, बड़ा सा रूम है, और इसके अंदर मैं एक टन रख देता हूं आइस। यहां पे एक टन की सिली पड़ी है, ठीक है, आमी देखा होगा, यहां पे एक टन की सिली पड़ी है, या इसे कह दें एक टन बर्फ पड़ी है। तो ये एक टन जो बर्फ है ये पिघलेगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि रूम से ये हीट ले लेगी, यहां से ये हीट अपने ओर ले लेगी, हीट को क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी। जितनी हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी और ये पिघलती जाएगी, मेल्ट होती जाएगी। देखो, इस तरह से जब हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जब क्या होता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको याद है ये ग्राफ तो बहुत अच्छी बात है। ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली सॉलिड से लिक्विड में जाने की, वो उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जितनी हीट ले लेगी पूरा पिघलने में, एक टन बर्फ जो है वो 24 घंटे में 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर उसे रखा जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हो, तो वो एक टन की जो बर्फ है वो कितनी हीट अब्सॉर्ब कर देगी, या कूलिंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर देगी। कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि ठंडक हो जाएगी ना इससे, कूलिंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर देगी। जितना वो कूलिंग इफेक्ट करे बना सकेगी उसको हम कहेंगे वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब बात यह है कि कितनी हीट ले लेगी वो, इसकी कैलकुलेशन भी तो होनी चाहिए ना कि कितनी हीट लगी। अब ये देखो, अगर ये रखा जाए, अगर ये तो हम नहीं रखते हैं ना घरों में, अगर हमारे पास क्या है, यहां पे एसी है। अब ये एसी एक टन का है तो ये उतना ही जो कूलिंग इफेक्ट है, हीट है कमरे में से उठा सकता है, ठीक है। तो कमरे में से हीट उठा के कहां फेंकेगा, बाहर। तो यहां से कमरे में से ही जो हीट उठा रहा है वो, तो वो एक टन का एसी एक टन की बर्फ के बराबर उतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो इतनी हीट रूम में से उठा के बाहर फेंक देगा। इसलिए हम उसको कहते हैं एक टन का एसी। जितने एक टन की बर्फ ने काम करना था उतना हमारा एक टन का एसी काम कर देगा। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है, जो लेटेंट हीट होती है, जो आइस की लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट वो है हमारे पास, उसकी वैल्यू आपने हमेशा के लिए याद कर लेनी है, उसकी वैल्यू है 335 किलो जाउल पर किलोग्राम। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि एक किलोग्राम की बर्फ पिघलेगी, जब एक किलोग्राम बर्फ जो है आइस है जो मेल्ट होगी, सॉलिड से लिक्विड बनेगी, वो 335 किलो जाउल एनर्जी खींच लेगी कमरे में से। तो हमारे पास तो एक टन आइस है। अब एक टन मतलब 1000 केजी, तो एक टन के लिए क्या होगा, एक टन कितना खींचेगी, एक किलो खींच रही है 335, एक टन मतलब 1000 केजी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहां पे 3350000 यार है।
अब मेरे पास नहीं, ये काम किसमें हो रहा था? मैंने क्या बोला था, 24 आवर में, 24 आवर में हो रहा था ये काम, लेकिन मुझे तो चाहिए क्या चाहिए, 1 मिनट में। मुझे ये बताना है कि 1 मिनट में कितनी ये हीट उठा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये 24 घंटे में काम हो रहा है, तो 24 घंटे में काम हो रहा था तो 1 घंटे में कैसे होगा, 1 आवर में 24 से डिवाइड कर दे, और 1 मिनट में कैसे कैसे होगा, 1 मिनट के लिए क्या करूं मैं इसको, 1 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 3 3 5 000 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 60। तो आप जब इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद 210 किलो जाउल पर मिनट, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। ये आपने हमेशा याद रखनी है। क्यों मैंने ये चीज बोली थी कि 1 टन की जो बर्फ है वो 24 घंटे में कितना हीट उठाती है, वो बोला था ना। तो मेरे पास यहां पे 1 टन की जो बर्फ है वो 1 मिनट में कितनी हीट उठा लेगी, ताकि मिनटों में पता लगे ना हमें, ठीक है। मिनट में, पहले मैंने क्या किया आपको, लेटेंट हीट बताई, 1 टन के लिए इतना लेटेंट हीट है, लेकिन वो कितने में था, 24 घंटे में, तो 1 आवर में 24 से डिवाइड कर दिया, 1 मिनट के लिए 60 से फिर डिवाइड कर दिया, तो 210 किलो जूल पर मिनट आ गया। अब अगर इसको सेकंड्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखो, किलो जूल को जब टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम मतलब सेकंड से डिवाइड कर दें, तो वो क्या बन जाता है, वॉट, वॉट बन जाता है, है ना। तो मेरे पास वॉट में निकालने के लिए, इसको कहते हैं ना जी सेकंड में निकालो, तो 1 सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में कितनी कूलिंग दे रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, 210 को 60 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये काटने के बाद 3.5 किलो जाउल पर सेकंड, तो इतनी हीट उठा लेगा वो 1 सेकंड में। तो हमारे पास ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 3.5 किलो जाउल पर सेकंड, और इसको हम किलो जाउल पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, वॉट, 3.5 किलो वाट, तो वही इसकी पावर है, इतनी ये हीट उठा सकता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में, 24 घंटे में, वो कितनी हीट उठा सकता है, ये ही है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसको आप बड़े इजी वे से आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। थैंक यू सो मच।